हे नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल दारा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्ले स्टोर की आईडी कैसे बनाएं। तो दोस्तों, आप प्ले स्टोर का अकाउंट आप आसानी से आप बना सकते हो। तो दोस्तों, आप वीडियो के साथ आप बने रहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आपको फ़ोन सेटिंग में चले जाना है। आपको फ़ोन सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे फ़ोन सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, यहाँ पे अकाउंट का। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गूगल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको गूगल पे जो आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एड अकाउंट लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एड अकाउंट पे क्लिक करने पे दोस्तों आपको यहाँ गूगल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको गूगल पे आपको क्लिक कर देना है। गूगल पे क्लिक करने पे दोस्तों यहाँ से आप अपना प्ले स्टोर का आईडी आप बना सकते हो। गूगल पे क्लिक करके आपको यहाँ पर चेकिंग इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल का जो भी पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल का पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों, आपको 4 अंकों का मोबाइल का पासवर्ड डाल देना। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट डालना होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा वेट कर लेना है। तो दोस्तों, ये दूसरा पेज ओपन हो चुका है। अगर दोस्तों आपके पास ऑलरेडी यानी जीमेल अकाउंट है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देना, आपका जीमेल आईडी डाल लेना है। और आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा, जो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने पे दोस्तों आपको यहाँ पर फॉर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है। तो यहाँ पे दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा पेज ओपन हो चुका है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर जो नाम डाल देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नाम, आपको कुछ भी यहाँ पे आप जो भी नाम है आपका अपना नाम डाल दीजिए। उसके बाद आपको लास्ट नेम में आपको अपना सरनेम डाल देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं सरनेम डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो अपना डेट डाल देना, जो भी जन्म तारीख है यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको सन सेलेक्ट कर लेना है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ मंथ डाल देना जो भी है, जनवरी फरवरी, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको वेयर डाल देना, सन डाल देना, तो यहाँ पर मैं सन डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना मेल फीमेल, तो यहाँ पे आपको मेल पे क्लिक कर देना है और आपको नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने पे दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर ईमेल आईडी ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो, जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, यूज़ मोबाइल नंबर। तो यूज़ मोबाइल नंबर पर आपको नीचे यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, तो यूज़ मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर आपको डालना है, 10 अंकों का। तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोन नंबर मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे जाना और यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने पे दोस्तों आपको अपने मोबाइल नंबर पे जो एक कोड मिलेगा, मैसेज आएगा। तो यहाँ पर मेरा दूसरा वाला मोबाइल है, इसका नंबर मैंने डाल दिया है, तो मेरे नंबर पर एक मैसेज आने वाला है। तो दोस्तों मैसेज आ चुका है मेरे नंबर पर, तो यहाँ पर मैं कोड डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने जी कोड नंबर यहाँ पे डाल दिया है। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने पे दोस्तों आपको थोड़ा वेट कर लेना है। तो दोस्तों आपका जीमेल अकाउंट बन जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक। अब दोस्तों दूसरा पेज ओपन हो चुका और अपना पासवर्ड आपको डाल लेना है। यहाँ पे 9 अंकों का आपको जो भी पासवर्ड है आपको डाल लेना। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ कुछ भी।
तो दोस्तों आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है जो भी, उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म, आपसे जो भी ऊपर पासवर्ड डाला वो तो आपको दोबारा यहाँ पर डालना है कंफर्म पासवर्ड आपको। तो यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड भी मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल चुका हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर आपका पासवर्ड है जो बन चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। देखिए यानी जीमेल अकाउंट है जो बन चुका है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी शो हो रहा है, और यहाँ पर नेम भी शो हो रहा है माई यहाँ पर जो नेम है, उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों आप उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने पे दोस्तों यानी कि आपका जीमेल अकाउंट बन चुका है। तो दोस्तों आप इस तरह से यानी कि प्ले स्टोर का आप आईडी बना सकते हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।